हेलो गाइस, तो हमारे पास यार बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, बच्चों की क्वारीज आ रही है रिगार्डिंग द हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसका क्या सारा सीन है भैया? हमने फॉर्म में करेक्शन कर दिया, फॉर्म में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, कैसे सही करें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे पेरेंट्स को यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि सीयूईटी है क्या और इसमें कैसे हम काउंसलिंग करें, क्या नहीं करें। कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, वन टू वन किसे हम कंसल्ट करें, कोई हमारे बातों का जवाब दे पाएगा पूरी क्लियर। तो यार इसके लिए हम लेकर आए हैं सीयूईटी एडमिशन गाइडेंस प्लान, जिसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया गूगल फॉर्म का, उसमें यार आप लोग जो है अपनी क्वारीज फिल कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के अंदर पहली बार हम ओनली फोर आपके लिए 1499 रुपए में पूरी फुल काउंसलिंग सीयूईटी की, टोटल जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती पूरी की पूरी 100 कॉलेजों की काउंसलिंग हम आपकी कर देते हैं। यार जरूर से गूगल फॉर्म को अपील कर सकते हो, ओनली फॉर 1499 रुपए में फुल काउंसलिंग। तो पहले अपन देख लेते हैं पहले सीयूईटी का क्या सारा सीन है, यूजी का, और भैया कितना कट ऑफ जाने वाला है, फार्मेसी का क्या सारा सीन है, हमको यहाँ पे एडमिशन लेना था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट लाइक हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलरेडी नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग द करेक्शन एंड एक्सटेंशन डेट। तो देख लो यार क्या लिखा आया है, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट दिस कोर्सेस एंड दिस बीटेक के जितने भी कोर्सेज है फॉर श्रीनगर एंड जस्ट लाइक टेरी एंड दिस कैंपस के अंदर, दिस इज एक्सटेंड टिल 26 तारीख। ठीक है, तो यार आपके सॉरी 30 सितंबर जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन थे वो 26 तारीख तक थे, यानी कि 26 तारीख को हम करने वाले थे, उसको आगे बढ़ा दिया गया है डेट को ड्यू टू बहुत सारे कम स्टूडेंट रजिस्टर कर पाए थे, तो एक्सटेंड कर दिया गया अप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी का। ठीक है, तो ये काफी अच्छी अपडेट है रिगार्डिंग द सीयूईटी एडमिशन, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म को गलत फिल किया है, गलतियां कर दी है, ठीक से फिल नहीं किया, तो जो है वो लोग करेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लिखा आया है, जस्ट लाइक विल बी ओपन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर करेक्शन और मॉडिफिकेशन इन द ऑलरेडी सबमिटेड अप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने अगर करेक्शन कर दिया है, फॉर्म को ठीक से नहीं फिल किया, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दिया गया है करेक्शन hnb.gu.cu.et.samrat.edu.in, इस पे जो है यार आप लोग जाके करेक्शन कर सकते हो। तो एक पहले अपन देख लेते हैं इसका भी क्या सारा सीन है। अप्लीकेशन फीस 80 रुपए है सिर्फ, जिन भी बच्चों ने यार रजिस्टर नहीं किया है जरूर से जाके रजिस्टर कर सकते हो, वन टू वन आपको गाइड करते हैं कॉल पे, व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे, फॉर्म फिलिंग क्या सारा सीन है, DU, जामिया, BHU, CU, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, जितने भी कॉलेजेज है सबकी वन टू वन आपकी हम काउंसलिंग करते हैं। ओनली फॉर 1499 रुपए में बहुत ही कम प्राइस हमने रखा है इसका, ताकि एक गरीब परिवार का मिडिल क्लास का बच्चा भी जो है इसको अफोर्ड कर सके। तो यार आई होप मेरी मेहनत आपको कुछ काम आ रही होगी। तो जैसे आगे बढ़ते हैं अपन लॉगिन में। ठीक है गाइस, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है, देख सकते हो ये अप्लीकेशन नंबर डाल दिया मैंने, पासवर्ड डाल दिया है, फिर आपको लॉगिन कर लेना है। हालांकि आपको 30 सितंबर 30 तारीख तक न्यू रजिस्टर करने का मौका दिया गया है, कैसे रजिस्टर करना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। हालांकि रजिस्टर करने का ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेजों के लिए सेम प्रोसेस है। ठीक है गाइस, देख सकते हो ये जो फॉर्म है, ठीक है यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला जो ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इफ योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुल सबमिटेड लॉग ओके एंड जस्ट लाइक, ठीक है तो पहले मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, इसमें देखते हैं क्या सारा सीन है। तो गाइस यार अभी करेक्शन का जो विंडो है वो ओपन कर दिया है फाइनली। ठीक है, आप जो है यहाँ पे जाके अपने आप को फिर से यहाँ पर रजिस्टर कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यार ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसका जो ऑलरेडी एडमिशन मतलब एक एक फॉर्म मैंने ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, ठीक है बी फार्मा के लिए श्रीनगर कैंपस के लिए। अब मेरे को यार कोई मान लो कोई और कोर्स ऐड करना है, ठीक है या इसी कॉलेज का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा क्राइटेरिया है कि क्या मैंने सीयूटी में इसको रजिस्टर कर रखा है। अगर मैंने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पहले मैं जाऊंगा cut.samrat.edu जो भी sc.in, उस पर जाके इस यूनिवर्सिटी का कोर्स ऐड करूंगा, फिर इस पे आऊंगा। ठीक है, फिर इस पे आने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यार मैं फिर से यहाँ पे जो भी मेरे को प्रोग्राम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही कोर्स सेलेक्ट कर रखे थे जैसे फार्मेसी के लिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे जो भी मेरे को प्रोग्राम चाहिए। यहाँ पे सिर्फ देख सकते हो श्रीनगर कैंपस में फार्मेसी है, तो यह मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। आगे मेरा पूरा फॉर्म भरा हुआ है, तो अगर मैंने सही भर रखा है तो ठीक है, अगर मैंने गलत भर रखा है तो फिर से मैं एडिट करके सारी के सारी डिटेल भर दूंगा।
फिर इस प्रकार से जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी का सारा सीन है। इसका कट ऑफ कब आने वाला है भैया वो भी देख लेते हैं चलो ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है 30 तारीख तो आई थिंक लास्ट डेट बताया गया है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। अब अपन यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। तो इसके लिए आप लोग ऊपर जाओगे, ऊपर जाने के बाद प्रोग्राम शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है आपको दिखाता है सारा का सारा प्रोसेस कि भैया आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा जो कोर्स है वो है फार्मेसी का ठीक है, तो मैं फार्मेसी देखूंगा। ओके तो ये फार्मेसी है अभी लाइव नाउ। तो यार ये आई थिंक 2 तारीख तक, एक तारीख तक दिखा देगा सारा सब कुछ हमें डिटेल जो भी है। तो यार जिन भी बच्चों ने हमारा कोर्स या फिर जो भी प्लान अभी लिया नहीं है जरूर से जाके ले लो, आपकी बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज आपको हमारे नंबर मिल जाते हैं, आप 24 घंटे लाइव कॉल कर सकते हो, सारी की सारी हम आपकी लगातार हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी हमारी हेल्प कर सकते हो हमारा कोर्स बाय करके या फिर CUET गाइडेंस प्लान लेके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, धन्यवाद।